हेलो स्टूडेंट्स, टुडे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टू मेथड्स ऑफ द मेजरमेंट, लेंथ को मेजरमेंट के मेथड्स हमने किए थे, उसमें हमने ट्रायंगुलेशन मेथड किया था, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे थे रिफ्लेक्शन और द इको मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन और इको मेथड में क्या है। रिफ्लेक्शन क्या है कि लाइट जाती है जहां कोई साउंड वेव जो है वो जा रही है, वो टकरा के फिर वो वापस आ रही है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये हम जो मेथड है रिफ्लेक्शन मेथड और इको मेथड जो है वो वर्क करता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसका प्रिंसिपल लिखते हैं कि ये किस प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करता है। इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल टू मेयर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय दिस मेथड वी सेंड ए वेव सिग्नल, ठीक है। वो वेव सिग्नल जो है वो साउंड हो सकती है, साउंड सिग्नल हो सकता है, लाइट सिग्नल हो सकता है। टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट बाय द ट्रांसमीटर एंड रिफ्लेक्टेड सिग्नल रिसीव्ड बाय द रिसीवर, क्लियर। क्या है कि लेट अस सपोज कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर यहां पे, हम इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसकी लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये कितनी दूरी है, ठीक है। तो यहां से ऑब्जर्वर से, यहां से हम कोई ट्रांसमीटर है और इस ट्रांसमीटर से, ट्रांसमीटर मीन कि जो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करेगा, जो सिग्नल उसकी तरफ ऑब्जेक्ट की तरफ सेंड करेगा, तो यहां से साउंड वेव हो सकती है और लाइट वेव हो सकती है कि ये सिग्नल जाएगा, ट्रांसमिट होगा, ठीक है। और यहां से इसके साथ स्ट्राइक करके वो सिग्नल जो है वो वापस आएगा, तो यहां पे होगा हमारा रिसीवर, ठीक है। तो ट्रांसमीटर से सिग्नल हम ट्रांसमिट करेंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम बैक एंड दैट सिग्नल रिसीव बाय द रिसीवर, ओके। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन इस सिग्नल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लेते कि ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो एक्स ये यहां तक और एक्स फिर वापसी के लिए, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया टू वेव जर्नी, एंड टाइम कितना लगा इसको, टी टाइम में, लेट टी इज द टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू कवर टू वे जर्नी गो एंड फिर रिटर्न बैक। टोटल जो डिस्टेंस है इसका, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, एंड टोटल जो टाइम है दैट इज इक्वल टू कितना नोट किया हमने, टी टाइम नोट किया, ओके। देन ये जो सिग्नल है उसकी अगर हम साउंड वेव ट्रांसमिट करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वो हमें पता होगी, ओके। अगर लाइट वेव है उसकी वेलोसिटी हमें पता होगी, इसकी वेलोसिटी इतनी हो, ठीक है। जो भी सिग्नल होगा उसकी वेलोसिटी हमें पता होगी, क्लियर। तो वी इज द वेलोसिटी, उस सिग्नल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल वो नॉन होगी और वो हम मान लेते हैं कितनी है, वी है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, 2x अपॉन टाइम, और 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इंटू टी, ये इधर चला जाएगा, ओके। तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, vt अपॉन टू। तो x से हमने फाइंड करना था कि इस ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। बाय यूजिंग दिस फार्मूला इफ यू नो द वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल एंड टाइम विल बी नोटेड, देन वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज द रिफ्लेक्शन मेथड, लाइट जा रही है, इंसिडेंट सिग्नल है और इंसिडेंट करने के बाद वो रिफ्लेक्टेड सिग्नल वापस आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम ये फार्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसका डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ द रिफ्लेक्शन और द इको मेथड्स, ओके। और इस मेथड के बेसिस पे आगे फर्दर हम जो है थ्री टाइप्स के जो मेथड्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। वन इज द रडार मेथड, सेकंड इज द सोनार मेथड एंड थर्ड वन इज द लेजर मेथड, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम उसे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है
रिफ्लेक्शन मेथड में तीन मेथड बेटे हम डिस्कस करेंगे. वन इज द रेडार, सेकेंड इज द सोनार एंड थर्ड इज द लेजर मेथड. ये तीनों मेथड जो है वो इको मेथड की कैटेगरी में आते हैं और तीनों का जो बेटे क्या है कि मेथड है वो सेम है, तीनों का मेथड सेम है, थ्योरी सेम है, ठीक है, सिर्फ तीनों में डिफरेंस क्या है तीनों में, ठीक है. इसमें हम रेडियो वेव्स जो है वो यूज करते हैं, इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं और इसमें हम लाइट वेव जो है वो यूज करते हैं, सिंगल वेव लेंथ की लाइट यूज करते हैं, सिर्फ तीनों में यही डिफरेंस है, ठीक है. तो रिडार क्या है, रिडार जो है कि हमारे स्पेस में जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम रिडार यूज करते हैं. सोनार जो है, सोनार इज द नेविगेशन, जो वाटर के अंदर है, पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां पे हम सोनार मेथड जो है वो यूज करते हैं. और लेजर बीम जो है वो भी हम स्पेस में अगर कोई लार्ज डिस्टेंस पे हेवनली बॉडी है, कोई बहुत ज्यादा जैसे मून का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसी स्टार का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हमने, तो हेवनली बॉडी का जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो दैट वेयर वी हैव टू यूज द लेजर मेथड, ठीक है. सो वन बाय इनका मैं फिर आपसे यही बात कर रहा हूँ कि तीनों की मेथडोलॉजी सेम है बेटे, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें रेडियो वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव और लाइट वेव यूज करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रडार. रडार की जो बड़े फुल फॉर्म है, रडार आर स्टैंड फॉर दी आर ए इज द रेडी. डी स्टैंड फॉर दी डिटेक्शन. ए स्टैंड फॉर दी एंड एंड आर स्टैंड फॉर दी रेंज. क्या मतलब है इसका कि रेडियो सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं, रेडियो सिग्नल क्या करता है, ऑब्जेक्ट का जो है वो डिटेक्ट करता है कि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पाथ में वो रेडियो वेव्स जा रही है, उसके पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे डिटेक्ट करता है, डिटेक्शन करता है एंड उसकी रेंज बताता है कि वो कितनी दूरी पे है, ठीक है. रेडियो डिटेक्शन एंड दी रेंजिंग. और इसका भी जो प्रिंसिपल है, जो इसका मेन प्रिंसिपल दैट जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि इको मेथड है इसका, ठीक है. तो कैसे है कि यहां पे एक हमारे पास एंटीना है जो कि वर्क करता है एज ए ट्रांसमीटर, ठीक है. कोई यहां पे डिश है तो ये डिश जो है वो रेडियो वेव्स जो है वो ट्रांसमिट करेगी, ठीक है, स्पेस में. और यहां पे मान लेते हैं कि कोई एरोप्लेन है इसके पाथ में ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ओके. तो ये कौन सी वेव्स हैं, ये रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स. और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नियर अबाउट 20 हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज जो है ये करीब होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज के. तो अगर इसके रास्ते में कुछ ऑब्जेक्ट है तो ये जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो इसके साथ इस कोलाइड करके उसके बाद रिफ्लेक्टेड होंगे, ये सिग्नल ऐसे रिफ्लेक्ट होगा. और यहां पे हम कोई रिसीवर यूज करेंगे कि जो उस सिग्नल को रिसीव करेगा, ओके. तो ट्रांसमिट करते वक्त और यहां तक पहुंचते तक जितना उसे टाइम लग रहा है वो हम नोट कर लेंगे और मान लेते हैं कि वो टाइम कितना है, टी टाइम है. थ्योरी इसकी बड़े वही लिखनी है जो हमने प्रीवियसली लिखी थी कि द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, ठीक है. फर्स्ट उसका है कि सिग्नल जो है, जो वेव सिग्नल में कौन है, सिग्नल में जो है वो हमारी रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड इन स्पेस, ओके. उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, हैविंग फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी के साथ वो ट्रांसमिट करेंगे इसको,
ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर, और सेकंड वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ये जो वेव है वो ट्रेवल करती है, तो वेलोसिटी हमें पता बैठे उसकी, ठीक है, दैट स्पीड इज इन फ्री स्पेस, जब एयर में कुछ भी नहीं है, ओनली फ्री स्पेस है, तो तब इसकी वेलोसिटी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहां से सिग्नल ट्रांसमिट होगा, उसके साथ स्ट्राइक करेगा और फिर वापस रिसीवर पे ये रिसीव होगा। तो टाइम नोट कर लेंगे हम, टी इज द टाइम, तो वही फार्मूला लगा के हम इसका जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी एक्स जाने के लिए और एक्स वापस आने के लिए, तो एक्स प्लस एक्स अपॉन टाइम कितना है टी, दैट इज 2x / t, और एक्स फिर बन जाएगा वी टी बाई 2। तो वही रिलेशन है जो प्रीवियस, सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ जो वेव है वो चेंज होगी, जो सिग्नल है वो चेंज होगा, ठीक है, दिस इज द रडार मेथड, क्लियर पॉइंट। और उसके बाद जो सेकंड मेथड है सोनार, SO stand for the sound, N for the navigation, E stand for the end, R stand for the arrangement, ठीक है, तो देखो ये sound, navigation and arranging, कि इसे हम पानी के अंदर अगर कोई सबमरीन है, कोई रॉक है, तो कोई भी जो अंदर है पानी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, उसके लिए हम सोनार मेथड यूज करेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसकी जो डायग्राम है, जैसे कि ये वाटर है और उसके अंदर ऊपर कोई शिप है और यहां पे कोई सबमरीन है, तो यहां से हम जो इस शिप से जो अल्ट्रासोनिक वेव वो ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, ट्रांसमिशन कौन सी वेव का होगा, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नियर अबाउट 20,000 हर्ट्ज होगी, ओके। तो अगेन यहां से जो अल्ट्रासोनिक वेव हम ट्रांसमिट करेंगे उसकी वेलोसिटी हमें बेटे पता होगी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, ओके। और ये टू वे जर्नी ट्रेवल करेगी, फिर सिग्नल वापस आएगा, यहां पे हमारे पास होगा रिसीवर होगा और यहां पे था ट्रांसमिटर, ओके। तो T इज द टाइम टेकन एंड टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, x प्लस x इज इक्वल टू 2x, अगेन वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और vt इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू vt अपॉन 2, ठीक है, फार्मूला सेम है, थ्योरी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या चेंज होगा यहाँ पर, उसकी वेव चेंज होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी कुछ और होगी, उसकी वेवलेंथ कुछ और होगी, तो वेलोसिटी कुछ और होगी। तो ऐसे हम जो है सोनार मेथड यूज करके हम किसी भी ऑब्स्टेकल को, कि जो भी सी में है, कोई सबमरीन है, रॉक है, कोई व्हेल है, तो उसका हम डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो है लेजर मेथड। लेजर द फुल फॉर्म, एल स्टैंड फॉर द लाइट, ए स्टैंड फॉर द एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एस स्टैंड फॉर द स्टिमुलेटेड, E stand for the emission,
ऑफ आर स्टैंड फॉर दी रेडिएशन. लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसकी फुल फॉर्म है. ठीक है, इसमें जो यूज करते हैं बेटे कि स्पेस में कोई भी हेवनली बॉडी है, हेवनली बॉडी इन स्पेस टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हेवनली बॉडी इन स्पेस, दिस मेथड इज यूज. इन दिस मेथड लाइट वेव ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज यूज्ड. ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट को बेटे हम सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट. और उसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है इन स्पेस, मीडियम में इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, वाटर में कुछ और होगी वैल्यू, ठीक है, तो किसी और मीडियम में कुछ और होगी, लेकिन स्पेस में जबकि कुछ भी नहीं है स्पेस में, तो तब उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है. ठीक है, वाटर में कुछ और होगी, अगर ऑयल में हम लाइट ट्रांसमिट करेंगे, इंसिडेंट करवाएंगे, तो उसमें कुछ जो है इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी. वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, किस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है. तो सी द वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसके साथ वो ट्रेवल करती है. अगेन द मेथड इज दैट कि हियर वी हैव ए ट्रांसमीटर और हियर इज लेट अस सपोज दिस इज अ मून एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द ट्रांसमीटर. हम लेजर बीम से एक लाइट जो है वो ट्रांसमिट करेंगे. ठीक है, उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? सिंगल वेवलेंथ, मिक्सचर नहीं होना चाहिए लाइट में, सिंगल वेवलेंथ लेजर बीम, लेजर लाइट. ओके, तो ट्रांसमिट इंसिडेंट करके मून के साथ वो कहीं ना कहीं रिसीवर पे रिसीव होगी. अगेन इसकी वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ लाइट, टोटल डिस्टेंस जो है एक्स जाने के लिए, एक्स आने के लिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टू एक्स. और वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है बेटे सी. और टोटल टाइम हम नोट कर लेंगे टाइम, तो वो टाइम जो है लाइट जाने और टकराने के बाद रिसीवर तक पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है उसे टी लग रहा है. तो अगेन सी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और 2x इज इक्वल टू ct, और x इज इक्वल टू ct by 2. बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मून और एनी हेवनली बॉडी इन द स्पेस. क्लियर? मैं अगेन बार बार यही कह रहा हूँ बेटे कि तीनों मेथड जो है रिडार, सोनार एंड लेजर इज द फॉर्म ऑफ द इको मेथड, और सभी का मेथडोलॉजी सेम है. जस्ट क्या डिफरेंस है इसमें, इनकी जो सिग्नल यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट है तीनों में. ठीक है, तो ये था हमारा इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड. बड़े प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक ट्रायंगुलेशन मेथड. ठीक है, तो ट्रायंगुलेशन मेथड में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनएसेसिबल, ठीक है, उसके बेसिस पे ये एक न्यूमेरिकल है कि द शैडो ऑफ द पोल स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 50 सेंटीमीटर लॉन्गर when the sun altitude is 30 degree then when it is a 60 degree find the height of the pole. ठीक है, क्या कह रहा है कि एक पोल है और उसकी जो शेडो है वो 50 सेंटीमीटर ज्यादा बनती है जबकि सन का जो एंगल है, जो एल्टीट्यूड है, वो 30 डिग्री एलिवेशन पे है देन the 60 डिग्री. ठीक है, जब 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, एल्टीट्यूड पे है सन, तब उसकी जो शेडो बन रही है, और जब 60 डिग्री पे उसका एल्टीट्यूड है तब जो शेडो बन रही है, तो 30 वाली जो शेडो है वो 50 सेंटीमीटर ज्यादा है जब शेडो 60 डिग्री पे बन रही है. ठीक है, देखो ध्यान से, लेट अस सपोज कि ये एक पोल है, ठीक है, इसकी हाइट एच है, ये पॉइंट एक लेवल सरफेस. ठीक है, तो जब जो सन है, सन का जो
एल्टीट्यूड है, लेट अस सपोज द सन इज हियर, तो यहां से सन की जो रेज हैं वैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बनेगा सन, ये शेडो बनेगी, इसकी पोल की शेडो बन रही है, शेडो ऑफ द पोल। कितने एटीट्यूड पे बन रही है वो बोल रहा है कि जब उसका जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो सन का एटीट्यूड है वो लेट अस सपोज द सन इज हियर, यहां से रे आएगी तो यहां से रे आएगी, ओके। तो तब उसका जो एंगल है थीटा टू दैट इज द 60 डिग्री। तो इस टाइम जो उसकी शेडो बन रही है वो ये बन रही है, दोनों एल्टीट्यूड पे शेडो बन रही है, ओके। और ये वाली जो शेडो है वो इस शेडो से 50 सेंटीमीटर जो है वो ज्यादा बन रही है, 50 सेंटीमीटर ज्यादा बन रही है, ठीक है। तो हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, तो ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है। इट मीन दिस इज द केस ऑफ द ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये डिस्टेंस जो है इसका हमने फार्मूला डिस्कस किया था, इसका जो फार्मूला था हाइट फाइंड आउट करने का, वो क्या फार्मूला था, एच इज इक्वल टू डी अपॉन कॉट थीटा वन माइनस कॉट थीटा टू। तो कॉट थीटा वन माइनस कॉट थीटा टू, तो ये जो डी डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी वेयर दी टू एंगल जो आ रहे हैं। तो D जो गिवन है, D इज द 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं, थीटा वन इज गिवन, थीटा टू इज गिवन, थीटा वन इज 30 डिग्री एंड थीटा टू इज 60 डिग्री एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 50 सेंटीमीटर, ओके। नाउ H इज इक्वल टू D इज 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय cot 30 डिग्री माइनस cot 60, ठीक है। तो जो tan 30 है बेटे, tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और जो tan 60 है वो वैल्यू होती है स्केयर रूट 3। tan जो होता है वो cot का रिवर्स है, देन cot 30 जो होगा वो कितना बन जाएगा स्केयर रूट 3 रिवर्स हो जाएगा, और tan का जो रिवर्स है दैट इज द cot 60 डिग्री, तो ये रिवर्स हो जाएगा 1/√3। इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो, ये बन जाएगा h इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय cot 30, cot 30 इज स्केयर रूट 3 एंड cot 60 इज 1/√3, ठीक है। तो ये बन जाएगा h इज इक्वल टू 50, इसका जो एलसीएम है वो स्केयर रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई स्केयर रूट 3। जब भी हम स्केयर रूट की वैल्यू को स्केयर रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केयर रूट बड़े खत्म हो जाता है, स्केयर रूट x मल्टीप्लाई स्केयर रूट x इज इक्वल टू x, ओके। तो सिमिलरली जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केयर रूट 3 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 3 कितना बन जाएगा 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई -1, ये बन जाएगा 50 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 3, ठीक है। स्केयर रूट 3 को चला जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी h इज इक्वल टू 50 स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, देन 2 वंस आर 2 25, height इज इक्वल टू h 25 स्केयर रूट 3 और स्केयर रूट 3 की वैल्यू 1.71, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जितनी वैल्यू आएगी दैट इज द हाइट ऑफ दी, और ये वैल्यू आती है कैलकुलेशंस के बाद दैट इज 43.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो
ये फॉर्मूला बड़े हमने प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था, तो इसका मैं जो लिंक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लेंगे हमने फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया था। ठीक है, वैसे हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल था। इसका नेक्स्ट जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज द पैरालेक्स मेथड। तो बेटे पैरालेक्स मेथड क्या है कि पैरालेक्स मेथड इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स। ठीक है, स्पेस पे जो स्टार्स हैं उसका डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द पैरालेक्स मेथड। तो पैरालेक्स क्या है बेटे, पैरालेक्स है देखो ध्यान से, कि जब हम मान लो कि ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के सामने ऐसे रखो। ठीक है, तो आप ऐसे देख रहे हो पेन को। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी एक आंख बंद करके, ठीक है, अपनी एक आंख बंद कीजिए और इसको देखिए ऐसे, एक आंख बंद कीजिए, फिर दूसरी बंद कीजिए, फिर पहली, फिर दूसरी, फिर पहली, फिर तीसरी। आप देखोगे कि इसकी जो पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट की वो शिफ्ट हो रही है, कभी इधर जा रहा 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 है। ठीक है, जब हम दोनों आंखों से देख रहे हैं तो इसकी पोजीशन सेम, ये हम इससे देख रहे हैं तो इसकी पोजीशन जो है वो स्टेबल है, लेकिन जब हम एक आंख से देखते हैं तो उसकी पोजीशन ये है, तो दूसरी से देखते हैं वो इधर चली जाती है, फिर इस आंख से देखते हैं फिर इधर चली जाती है। दिस इज द शिफ्टिंग। ठीक है, दैट शिफ्टिंग इज कॉल्ड द पैरेलेक्स। क्लियर, दोनों आंखों से देख रहे हैं तो एक पॉइंट पे हमें नजर आएगा सामने एक वॉल को, उसको बेस ले लेते हैं। ठीक है, कि वो वॉल है फ्रंट पे, इसके पीछे जो वॉल है उसको ऐसे रखिए, तो उसके बाद एक आंख बंद कीजिए फिर दूसरी कीजिए, दोनों इसकी ऐसे ऐसे शिफ्टिंग होगी, दैट शिफ्टिंग इज कॉल्ड दी पैरालेक्स। ठीक है, तो ये राइट आइज है इस ऑब्जेक्ट से और ये लेफ्ट आइज है, ये दोनों आइज जो इस ऑब्जेक्ट पे जो एंगल बना रही है दैट एंगल इज कॉल्ड दी पैरालेक्स एंगल। ठीक है, सपोज ये हमारी लेफ्ट आई है, ठीक है, और ये हमारी राइट आई है। ठीक है, और यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो यहां से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं दोनों आई से, या दोनों आईज ओपन है दोनों से देखेंगे, दिस एंगल इज कॉल्ड दी पैरालेक्स एंगल। ठीक है, जब हम इसको बंद करेंगे तो ये शिफ्ट करके दिस साइड पे आ जाएगा, जब इसको बंद करेंगे तो शिफ्ट करके इधर चला जाएगा। ठीक है, दैट इज शिफ्टिंग इज कॉल्ड दी पैरालेक्स, और एंगल एट दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड दी पैरालेक्स एंगल। और ये दोनों जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इनके बीच का जो जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेसिस, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड दी बेसिस। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो जैसे हमने पैरालेक्टिक सेकंड आपको पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, पैरालेक्टिक सेकंड में क्या था, ये जो डिस्टेंस है देखो ऐसे पढ़ते थे, ये कर्व बनती थी। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये हम लेंथ ऑफ द आर्क लेते थे, ये रेडियस था कि ऐसे ये सर्कुलर ट्रैक में घूमता रहेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या, एल इज इक्वल टू क्या रिलेशन लेते थे, थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा लेते थे, और यहाँ थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर लेते थे। सिमिलरली इस केस में भी हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस इज दिस वन, डिस्टेंस इज दिस वन, इसको हम मान लेते हैं एक्स, और अगर हम यही फॉर्मूला लगाते हैं थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, अब यहां पर लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है हमारी, ये बी है लेंथ ऑफ द आर्क, तो आर कितना है यहाँ पे, एक्स है। अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, एल इज द बेस, बी अपॉन रेडियस कितना है एक्स, तो यहां से हम बी इज इक्वल टू क्या फाइंड करेंगे, एक्स थीटा। ये फॉर्मूला है जो इसका प्रिंसिपल है वो इस बेसिस पर डिपेंड करता है बाय यूजिंग दी पैरालेक्टिक सेकंड का जो कॉन्सेप्ट था कि बी इज इक्वल टू एक्स इंटू थीटा फॉर्मूला लगा के हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, जो डिस्टेंस है किसी भी स्टार का वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वन इज द, व्हाट इज द पैरालेक्स जो शिफ्टिंग हो रही है, सेकंड इज द पैरालेक्स एंगल जो ऑब्जेक्ट पे एंगल सब्टेंड कर रहे हैं दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द बेसिस। क्लियर, अब हम पैरालेक्स मेथड पे जाते हैं कि ये मेथड वर्क कैसे करता है, हम किसी भी स्टार की जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो लेट अस सपोज ये कोई स्टार है, ठीक है, ये स्टार है, तो अगर हम
जितना बड़े बेस छोटा होगा ना, जैसे हम अगर हम दोनों दोनों आइस की बात करते हैं कि अगर ये वाला डिस्टेंस अगर स्मॉल है तो बहुत दूर अगर हम एंगल फाइंड आउट करेंगे इसका, तो एंगल क्या बनेगा, एंगल छोटा बनेगा। अगर ये बेस को हम ज्यादा कर दें कि एक पॉइंट ऑब्जर्वेशन ये ले लें और एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये ले लें, तो ये एंगल उतना ही बड़ा हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि अगर हम अपनी आइस का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो ये नियर अबाउट 2 और 3 सेंटीमीटर के करीब होगा दोनों आइस के बीच का डिस्टेंस। और अगर दोनों आंखों से हम जो स्टार की जो हमारे से काफी लाइट ईयर दूर है, काफी दूर है हमसे, तो वहां पे अगर हम एंगल फाइंड आउट करेंगे उसका, तो दैट एंगल इज दैट इज वेरी 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 नेग्लिजिबल, दैट कैन नॉट बी मेजरेबल, वो बहुत छोटा हो जाएगा, वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो काफी दूर लेने हैं। ठीक है, दूर लेने हैं, इतनी दूर लेने हैं कि देखो ये सन है, ओके, तो सन के अराउंड जो है वो अर्थ जो है एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो यहां पे स्टार है जिसकी हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे जाना है बेटे कि एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने जब अर्थ यहां पे थी, यहां पे लेंगे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ वन, और सेकंड जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो यहां पे लेंगे ओ टू, और ये पॉइंट जब अर्थ घूम के यहां पे आएगी यानी कि नियर अबाउट 6 मंथ का टाइम लगेगा इसको, पहली ऑब्जर्वेशन यहां से ले लेंगे स्टार की, फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन 6 मंथ के बाद इसकी ऑब्जर्वेशन। क्लियर पॉइंट? ओके, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी 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 लार्ज, अर्थ का जो ऑर्बिट है उसका जो डायमीटर है उस ऑर्बिट का दैट इज वेरी लार्ज। हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो बहुत दूर होने चाहिए। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट अब बहुत दूर है, दैट इज वेरी फार ऑफ। ओके, तो अब इस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, स्टार, स्टार पे इसका हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है बेटे कि इसका जो बेस है इसके इर्द गिर्द और भी बहुत सारे स्टार होंगे, दैट आर द स्टार। ठीक है, तो ये जो इसके फ्रंट पे स्टार आ रहा है ये वाला, बाय यूजिंग दी सेक्सटेंट ऑपरेटर्स वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ट्रायंगुलेशन मेथड में, इस एंगल जो कि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है यहां पे इसको लगा के, और यहां से सेक्सटेंट को सेट करके ये वाला एंगल फाइंड आउट, ये दोनों स्टार के बीच का जो एंगल है वो फाइंड आउट करेंगे, वो मान लेते हैं कितना है, थीटा वन है। क्लियर? अब जब आफ्टर दिस सिक्स, सिमिलरली यहां पे भी एक इसके फ्रंट पे स्टार है और इन दोनों स्टार के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला जो एंगल है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस सेक्सटेंट, दैट इज द थीटा। क्लियर? अब ये थीटा वन एंड थीटा टू आ चुके, हमें ये एंगल चाहिए। ओके, तो अगर हम एक और लाइन यहां पे इसके सेंटर पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये तीनों लाइंस जो आ रही हैं, ये तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है, और ये जो लाइन है ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर ये वाली लाइन दिस वन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाली लाइन सॉरी पैरेलल लाइंस है और ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, सेम एंगल होंगे। ठीक है, अगर ये थीटा टू है तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ओके, सिमिलरली दीज लाइंस, दिस लाइन एंड दिस लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल लाइंस, और ये लाइन इसे कट कर दी। सिमिलरली दिस एंगल इज थीटा वन है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा वन। देन इफ दिस एंगल इज थीटा वन देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा वन। तो ये जो टोटल एंगल है दोनों पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का इस स्टार के साथ, वो एंगल कितना बन रहा है, थीटा वन प्लस थीटा। क्लियर?
अब एंगल हमारे पास आ चुका है, तो बेस जो है इसकी वैल्यू हमें पता है कि इसके ऑर्बिट की कितनी कितनी ऑर्बिट है, इसकी डायमीटर कितना है, दैट इज कॉल्ड द बेस, दैट इज अ नॉन वैल्यू वैल्यू, और एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो बाय यूजिंग दी जो प्रीवियस बी इज इक्वल टू एक्स थीटा का फार्मूला लगा के हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी हम थ्योरी बनाते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है। थ्योरी है कि सो इसकी जो थ्योरी है बेटे, इफ द बेस इज वेरी स्मॉल देन द पैरेलेक्स एंगल कैन नॉट बी मेजर्ड, टू फाइंड द पैरेलेक्स एंगल मेक्स द बेस इज लार्ज, ठीक है। ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें जो बेस है वो लार्ज चाहिए, उस बेसिस को लार्ज हमने क्या मान लिया कि जो अर्थ का ऑर्बिट है, सो डायमीटर ऑफ द अर्थ ऑर्बिट इज टेकन एज द बेसिस, देन द एंगल सबटेंड बाय द टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम ओ वन एंड ओ टू एट द स्टार, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू। तो थीटा आ चुका है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू, तो ये बन जाएगा एक कर्व, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है b है। तो कर्व का भी हमने फॉर्मूला लिखा था कि l इज इक्वल कितना होता है r थीटा, ठीक है। देन इसका जो बनेगा डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट करना है इसका स्टार का, वो मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है x है, ठीक है। तो l इज इक्वल टू r थीटा, l इज इक्वल टू r थीटा, तो l कितना है b है, b इज इक्वल टू आर थीटा, आर कितना है x में, x थीटा। तो फाइंड क्या करना हमने, x x इज इक्वल टू b अपॉन थीटा, और x इज इक्वल टू b अपॉन थीटा वन प्लस थीटा, ठीक है। x इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू कर सकते हो, या फिर ये वाला एंगल जो टोटल है थीटा टू प्लस, ठीक है। तो ये भी रिलेशन वैसे ही बेटे जो ट्रायंगुलेशन मेथड था वैसा ही बन गया है, ठीक है। उसमें भी क्या था, एच इज इक्वल टू डी अपॉन कॉट थीटा वन प्लस कॉट थीटा टू था, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, यानी कॉट नहीं है सिर्फ थीटा वन प्लस थीटा टू, एंगल्स को ऐड करते हैं, ठीक है। और दैट इज द एक्स इज इक्वल टू बी थीटा वन प्लस थीटा टू। तो ये जो ऑब्जेक्ट है बेटे, जो स्टार है, वो अर्थ से बहुत दूर है, ठीक है। अगर ये अर्थ से बहुत दूर है तो ये जो थीटा वन एंड थीटा टू है दैट इज ए वेरी स्मॉल वैल्यूज, इनकी जो वैल्यू आएगी दैट इज वेरी 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 नेग्लिजिबल होगी। तो इस फॉर्मूले को हम बेटे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा वन प्लस थीटा, टेन थीटा वन प्लस थीटा टू, और एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ओके। इफ द एंगल इज लार्ज होगा तो वहां पे हम टेन थीटा यूज कर लेंगे, इफ द एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल देन वी यूज द बी अपॉन थीटा यूज कर लेंगे। सो दिस मेथड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, पैरेलेक्स मेथड है, तो काफी इंपॉर्टेंट मेथड है इस पे बेसिस पे। व्हाट इज द पैरेलेक्स, व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द पैरेलेक्स एंगल, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपको वो पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बड़े एक न्यूमेरिकल है, द मून ऑन द बेसिस ऑफ द पैरेलेक्टिक पैरेलेक्स मेथड, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ, ठीक है। कि मून है, लेट अस सपोज दिस इज द मून, और दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ को डायरामेट्रिकली हमने दो पॉइंट जो है वो ले रहे हैं, वन पॉइंट इज हियर एंड सेकंड पॉइंट इज हियर, एंड इनका जो बेस है दैट इज द डायरामीटर ऑफ द अर्थ ए एंड बी, और द एंगल सबटेंडेड एट द मून बाय द अर्थ, ये दोनों पॉइंट जो इस मून पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं, दैट एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट, एंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज गिवन, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज गिवन बी इज इक्वल टू 1.276 10 रेज टू द पावर 7
मीटर. देन फाइंड द हाइट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द मून. तो हमने ये एक्स की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर, ठीक है. तो पहले तो यही है बेटा, न्यूमेरिकल को जब भी आपने सॉल्व करना है तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको गिवन है वो फिजिकल क्वांटिटीज आपने नोट कर लेनी है, ठीक है. तो फर्स्ट जो है दैट इज थीटा इज गिवन, थीटा इज 1 degree 54 minutes, ठीक है. तो 1 degree में बेटे कितने मिनट्स होते हैं, 1 degree में 60 minutes, 1 degree इज इक्वल टू 60. तो 60 मिनट प्लस ये 54 मिनट्स, ये बन जाएंगे 114 मिनट्स, ठीक है. अब इसके सेकंड कन्वर्ट कर लेते हैं थीटा, हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं. मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बन जाएंगे 60 सेकंड, ठीक है. अब सेकंड को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि बेटे कि जो 180 डिग्री है दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन के को लिखते हैं. प्रीवियस वीडियोस हमने डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग में. तो 1 degree इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा, और 1 degree में 60 होते हैं मिनट, और 1 मिनट में कितने आ जाएंगे पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 60, और 1 मिनट में 60 सेकेंड है तो 1 में कितने आ जाएंगे पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 60, ये भी नीचे चला जाएगा. 60 पाई की वैल्यू है 22/7, 180 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60. तो 1 degree जो सॉरी 1 second जो है दैट इज इक्वल टू इतने रेडियन. तो इसकी जो कैलकुलेशन करके हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज 4.85 10^-6 रेडियन, 4.85 10^-6, यानी कि 1 second इज इक्वल टू इतने रेडियन है. तो जब ये इतने सेकंड हैं, इसको हम जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा दिस वैल्यू 4.85 × 10^-6 रेडियन, और इसको कैलकुलेशन के बाद जो रेडियन बनेंगे दैट इज 3.3174 × 10^-6 रेडियन, 10^-6 रेडियन. इसकी कैलकुलेशन करके ये वैल्यू थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है. तो अब थीटा की जो वैल्यू है थीटा इज हियर एंड जो डी है उसकी वैल्यू भी गिवन है. तो डी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है 1.276 × 10^-7 मीटर. थीटा इज आल्सो हियर, डी इज गिवन, ओके. तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू जो है डी अपॉन थीटा. एक्स इज इक्वल टू डी कितना है 1.276 × 10^-7 एंड थीटा इज 3.3174 × 10^-6 एंड आफ्टर कैलकुलेशन इसकी जो वैल्यू आएगी बेटे दैट इज 3.34 × 10^-8 एंड इसको कैलकुलेशन को किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो 3.34 × 10^-5 किलोमीटर. तो इतने जो किलोमीटर है वो मून डिस्टेंस पे होगा 3.84 किलोमीटर, ठीक है बेटे. तो ये था आज जो हमने डिस्कस किया. वन इज द इको मेथड. इको मेथड में हमने 3 मेथड डिस्कस किए, रडार, सोनार एंड लेजर मेथड, ओके. उसके बाद हमने पैरालेक्स मेथड किया, और पैरालेक्स मेथड में भी हमने जो है वो डिस्टेंस ऑफ द स्टार और जो हेवनली बॉडी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पैरालेक्स मेथड. कंडीशन क्या है कि जो बेस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, लार्ज डिस्टेंस पे होना चाहिए. तो इसके बेसिस पे ये न्यूमेरिकल है, और इन दोनों ही मेथड्स के बेसिस पे जो कुछ
डीपीटी मैथ्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, तो वो आपने सॉल्व करने हैं सेम मेथड्स के साथ। तो अपने करके मुझे सेंड करने हैं, उसके आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं, ठीक है। तो आज बस हम इतना डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।